हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 में दे रखा है, इन अ गिवन फिगर थ्री सर्कल ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर आर ड्रोन इन अ सच वे दैट ईच ऑफ देम टचेस टू द अदर टू। यानी कि तीन सर्कल दे रखे हैं जिनकी हर एक की रेडियस कितनी है, 3.5 है, और एक दूसरे को ये तीन पॉइंट पर टच करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एनक्लोज बिटवीन दैम बिटवीन दीज थ्री सर्कल। यानी तीन सर्कल के बीच में बनने वाले ये वाले जो एरिया है, शेड जो मैंने कर रखा है, इसका मुझे एरिया बताना है। तो एरिया बताने के लिए किस में से क्या माइनस करें ताकि मेरा एरिया निकल के आ जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। देखो, इस पॉइंट को मैंने इससे ज्वाइन किया, ये मेरी कौन है, रेडियस। इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया मैंने, ये भी मेरी कौन होगी, रेडियस। इसको मैंने इससे ज्वाइन किया, ये रेडियस है। इसको इससे ज्वाइन किया, ये इस पॉइंट की रेडियस है। इस पॉइंट को मैंने इससे ज्वाइन किया, ये रेडियस है। इसको इससे ज्वाइन किया, ये रेडियस है। तो यानी कि इसे नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी। तो मेरा जो ट्रायंगल बना, ट्रायंगल ए बी सी, जिसकी साइड कितनी होगी, आर प्लस आर कितनी हो जाएगी, 2r। ठीक, ये इसकी कौन बनेगी, साइड बनेगी। अब आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से ही दे रखी थी, कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं इसकी साइड को मल्टीप्लाई करूँ 3.5 को 2 से, तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी कि इस ट्रायंगल की साइड कितनी आ गई, 7, ये भी 7, ये भी 7। तो इसका मतलब जो मेरा ट्रायंगल एबीसी है इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि जिसकी तीनों साइड से मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। ये 60 का, ये भी 60 का, और ये भी 60 का। तो देखा जाए तो मेरी जो ओरिजिनल फिगर बनेगी वो कुछ ऐसी होगी। यानी कि एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ए बी सी है, और तीन सेक्टर बन रहे हैं, पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर और तीसरा सेक्टर। ये तीन सेक्टर बन रहे हैं और मुझे ये वाला एरिया बताना है। हर एक एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ट्रायंगल का एरिया निकालो, निकालने बाद में तीन सेक्टर का एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो, तो मेरा शेडेड रीजन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं एरिया शेडेड रीजन क्या बनेगा, एरिया निकालेंगे एबीसी का, और निकालने बाद में कितने सेक्टर हैं, तीन सेक्टर हैं, एक दो तीन, तीनों सेम है, तो माइनस कर देंगे तीन एरिया ऑफ सेक्टर का। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। ठीक, थ्री सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 22/7। ठीक, तो अंडर रूट 3/4 साइड कितनी निकाली थी मैंने अभी भी, इसकी 7 इंटू 7, थ्री थीटा कितना है 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना निकाला मैंने, 7 आर हमें दे रखा था 3.5, तो 3.5 ठीक है इंटू में 3.5 ये आ गया, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करना है। 7 7 49 अंडर रूट 3 अपॉन में 4। देखो जरा, 3 1 3, 3 2 6 0, 62 120, 2 1 2 11, 11 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपॉन में 7। डेसिमल डालेंगे, डेसिमल हटेगा नीचे 10, डेसिमल हटेगा नीचे 10, यह आया 49 अंडर रूट 3 अपॉन में 4, 11 इंटू 35 इंटू 35 अपॉन में 10 इंटू 10, 5 7 35 5 2 10 5 7 35 5 2 10, 7 7 मेरा कैंसिल हो गया, तो यह 49 अंडर रूट 3 अपॉन में 4, 11 7 77, 2 2 4, दोनों का बेस सेम है तो सीधा माइनस कर देंगे, 49 अंडर रूट 3 माइनस में 77, इसमें अंडर रूट 3 आ रहा है तो माइनस नहीं होगा, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, ये मेरे निकल के आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में अंडर रूट 3 की वैल्यू गिवन हो तो पुट कर दो, फिर मल्टीप्लाई करिए, माइनस कर दो, डिवाइड कर दो 4 का, वो मेरा कंप्लीट आंसर होगा। बट अंडर रूट 3 की वैल्यू गिवन नहीं, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं की है। ठीक, तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट किया हुआ है, बोला गया है इन अ गिवन फिगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड अ सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल में इक्विलेटरल ट्रायंगल है
जिसकी साइड में गिवन है बट रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया बताना है। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है, अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73 यूज़ करनी है। तो देखो ये मेरा सेंटर होगा, मैंने इसमें 3 रेडियस ड्रॉ की, पहली ए को ओ से ज्वाइन किया, बी को ओ से ज्वाइन किया, ओ को सी से ज्वाइन किया, तो मेरा पूरा जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का। ए ओ, ओ बी, ओ सी मेरी कौन है रेडियस, जिसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर है, पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का। अब ये 3 हिस्सों में बराबर बराबर बट रहे हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है, तो तीनों क्या होंगे बराबर बराबर। तो एंगल जो मेरा बी ओ सी होगा कितना होगा 360, 3 ट्रायंगल में बांटा है तो डिवाइड बाय 3, तो ये मेरा एंगल आ गया 120 डिग्री का निकल गया। ठीक, निकलने के बाद अब मुझे एरिया बताना है शेडेड रीजन का। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये माइनस सेगमेंट है, एक माइनस सेगमेंट का एरिया निकालूं, मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, पहला मेथड। दूसरा मेथड ये कि मैं इस ट्रायंगल को 2 हिस्सों में बांटकर सॉल्व करके क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को माइनस कर दूं। ठीक, तो पहले हम करते हैं क्वाड्रेंट वाला रूल, ठीक है, उसके बाद में मैं सेगमेंट वाला तरीका बताऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से करूंगा। तो मेथड नंबर फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो मेरा ट्रायंगल बना हुआ है ये वाला ए बी सी, ये मैं दे रखा 6 सेंटीमीटर, मैं इसको जॉइन एक परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, परपेंडिकुलर बायसेक्टर हमेशा इसको इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है। अगर किसी सर्कल में कॉर्ड ड्रॉ की जाए और उस पर रेडियस ड्रॉ की जाए, कॉर्ड पर रेडियस, तो उसे हमेशा क्या करते हैं परपेंडिकुलर बायसेक्टर। तो मेरा ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, पूरा 120 डिग्री दे रखा था, 200 बढ़ जाएगा तो ये 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ना मुझे ये मालूम है, इसे मैं रख लेते हैं नाम मान लो डी। तो मेरा जो एंगल है वो कहाँ है, ऊपर है। तो इसको समझने के लिए एंगल को मैं बेस पे बना लेता हूँ। ठीक है, ये ओ है, यहाँ बना लिया 60 डिग्री, डी मेरा 90 डिग्री पे आ जाएगा और बी चला जाएगा मेरे ऊपर। मेरे पास गिवन कौन है, ओ बी, जो कि 6 सेंटीमीटर है। मुझे बी डी और ओ डी दोनों निकालनी है, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल बी ओ डी, बी डी निकालनी है, गिवन कौन है बी ओ। तो ये मेरा देखो रूल होता था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन कॉस एंड टेन, ये इसके फॉर्मूले होते थे, पी अपॉन में एच साइन का, बी अपॉन में एच कॉस का, पी अपॉन में बी टेन का। तो ये मेरा कौन हुआ बी डी, बी डी मेरा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, यानी पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच कितना बन रहा मेरा साइन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, बी डी निकालना है, बी ओ कितना दे रखा है 6, साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये होती है अंडर रूट 3/2, बी डी नीचे ऊपर चला गया 6√3/2 कितना है 3√3, बी डी निकल कर आ गया। बी डी निकलने के बाद में अब निकाल लेंगे डी ओ, डी ओ अपॉन में बी ओ यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन में एच कितना होता है कॉस थीटा, थीटा कितना दे रखा है मेरे को यहाँ पे 60 डिग्री, ओ डी, ओ डी की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, बी ओ में दे रखा है 6 सेंटीमीटर, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो ओ डी नीचे ऊपर चला जाएगा, डिवाइड दे कितना आया 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो मेरा ओ डी है, ओ डी आ गया 3 सेंटीमीटर, जितना मेरा बी डी है उतना मेरा सी डी होगा, बी डी और सी डी दोनों बराबर होंगे 3√3, मुझे चाहिए पूरा बी सी, तो बी सी के लिए क्या करेंगे 3√3 + 3√3 कितना हुआ 6√3 सेंटीमीटर, ये मेरी वैल्यू आ गई बी सी की। अब मुझे बताना है ये वाला है एरिया, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, या फिर ऐसे लिख दो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हम एक वाले शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 3 होगा, सेम ही होगा। तो सबसे पहले इसकी बात करते हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, एरिया क्वाड्रेंट में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ट्रायंगल का। ठीक, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, जितना इसका होगा इनका भी सेम ही होगा, तो बाहर मैंने क्या रख दिया 3। अब क्वाड्रेंट नहीं सेक्टर होगा, बाय मिस्टेक ये मेरा होगा सेक्टर होगा। ठीक, क्वाड्रेंट में तो एंगल 90 डिग्री का होता है, बट ये एंगल कितना है 120 डिग्री का है। तो सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट हो जाएगा,
3, थीटा दे रखा 120 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 6 है, स्क्वायर है इसलिए 2 बार 1/2, बेस बेस मैंने कितना निकाला, बी सी 6√3, हाइट हाइट कौन थी मेरी, ओडी ओडी मैंने कितनी निकाली 3, 12 × 36 3, 1/3 कट रही है तो काट दो 2, तो यह है 3.14, 6×2 = 12, 3 आया 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 √3, 3.14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 37.68, √3 की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है 1.73, 37.68, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यह 15.57, 3 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा मेरा 22.11, ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ तो ये मेरा आ जाएगा 66.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये मेरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल के आ गया। ये था मेथड 1 जो दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, अब दूसरा मेथड बता दूँ वो इससे काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। देखो दूसरा मेथड, तो दूसरे मेथड के लिए पहले मैं दोबारा से थोड़ी फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। तो मैंने O को B से मिला दिया, O को C से मिला दिया, तो यहाँ पर तो एंगल सेम टू सेम वही 120 डिग्री का आएगा, एंगल BOC 360 डिवाइड बाय 3, एंगल तो आ गया मेरा 120 डिग्री का, हमें निकालेंगे एरिया ऑफ एक माइनस सेगमेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो यहाँ लिखता हूँ मैं एरिया शेडेड रीजन, तो इसके लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 3 है इसलिए बाहर 3 लिखा, आर स्क्वेयर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और एरिया निकल जाएगा 3, आर की वैल्यू दे रखी थी 6, स्क्वेयर है इसलिए 2 बार, पाई की वैल्यू 3.14, थीटा में दे रखा 120, 120 अपॉन में 360 माइनस 1/2 साइन, साइन दे रखा 120 डिग्री। अब देखो साइन 120 डिग्री क्या होता है, वैसे हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल जिसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा आता 90 प्लस थीटा और जिसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन मेरा पॉजिटिव का होता है, तो इस वजह से साइन 90 प्लस थीटा ऑल्सो कॉस थीटा के इक्वल भी होता है, ये भी एक फॉर्मूला है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो मेरा कितना हुआ 3, 6×36, 12×36, 3.14 अपॉन में 3, 1/2, हम साइन को लिखेंगे साइन 90 प्लस में 30 डिग्री, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 3.14 अपॉन में 3 साइन 90 प्लस थीटा को क्या ले सकते हैं कॉस 30 डिग्री, ठीक है जो भी साइन है कॉस में चेंज हो जाएगा एंगल जो होगा वो यहाँ इसके साथ आ जाएगा 108 3.14 अपॉन 3 1/2। अब कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, देने के बाद 3.14 अपॉन 3 √3 की वैल्यू होती है 1.73, 2×2 = 4, 108 दोनों का एलसीएम लिया कितना है 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, तो इस 4 को मल्टीप्लाई किया 3.1 के साथ 12.56, 3 को मल्टीप्लाई किया 1.73 के साथ 5.19, 12 × 108, 9 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7.37, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ तो ये आ जाएगा 66.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, बस मेथड थोड़ा बदल जाएगा, इसमें फॉर्मूला ही लगा लेना और सॉल्व कर देना है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।